अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है, हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढहाया गया था, प्रशासन इस बात के लिए चिंतित था कि ईंट कहां जाएगी। देखते ही देखते एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला वहां पर। सब कार सेवक लेकर के चले गए, अपने अपने आस्था और अपने 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 विश्वास के अनुसार लोगों ने उसका उपयोग किया। मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस बात को तय किया, हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। कोई जाति भी नहीं बना रहे हिंदू, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू किसके यहाँ से लिया था? 90 रुपए। अच्छा, एक काम करे, हम तुम्हें 90 रुपया दे देने, तुम लेके घर में खेल इसको, ठीक है ना? तो इसको 90 रुपया दे दो। जो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कावड़ यात्रा में। पहले कावड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं शिवालयों में जलाभि। इसके अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर, वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है, वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं,
जहां पर 20% से लेकर के 35-40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35-40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है, तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं, वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में, तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इसमें भी कठोरतम कार्रवाई करने